भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने हीट रेडिएशन को रोकने में सक्षम मेटा मटेरियल्स के खास तरीके के कपड़े और ऐसे ही वस्तुएं तैयार की हैं जिन्हें पहनने के बाद रात में सैनिकों की मौजूदगी किसी भी उपकरण की पकड़ में नहीं आएगी। दोस्तों 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया सभी को याद होगी, जिसमें हीरो के पास घड़ीनुमा एक गैजेट था जिसे पहनकर वो अदृश्य हो जाता था और दुश्मनों को सबक सिखाता था। इस तकनीक की सिर्फ एक कट थी, इंफ्रारेड कैमरे और लाल रंग की रोशनी, इसके जरिए उसे देखा जा सकता था। IIT द्वारा विकसित विशेष कपड़ों और गैजेट्स की मदद से हमारे सैनिक RF सेंसर, ग्राउंड रडार, एडवांस बैटलफील्ड रडार और इंफ्रारेड कैमरों को चकमा दे सकते हैं। दरअसल अभी अंधेरे में व्यक्ति या वस्तुएं हीट रेडिएशन यानी कि वस्तु के शरीर के तापमान के सहारे पकड़ में आती हैं। इसमें एडवांस इंफ्रारेड कैमरे घने अंधेरे में भी किसी व्यक्ति को खोज निकालते हैं। ये तकनीक सभी देश अपनी अपनी सीमाओं में इस्तेमाल करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO IIT द्वारा सेना के लिए तैयार कई वस्तुओं की टेस्टिंग कर रहा है। कपड़ों पर लगाए जाने वाली पैच नुमा डिवाइस जिसे मेटा मटेरियल से बनाया गया है परीक्षण में खरी उतरी है और इसे हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद संस्थान ने इसे पेटेंट कराने के लिए आवेदन भी कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोफेसर आनंद रामकृष्णा और उनकी टीम ने 2 साल की मेहनत के बाद ये तकनीक इजाद की है। एडवांस तकनीक विकसित करने के लिए भी प्रोजेक्ट चल रहा है। मेटा मटेरियल्स के खास तरह का स्टिकर बनाया जा रहा है, इसे सेना के टैंक, लड़ाकू विमान और ड्रोन आदि में भी लगाया जा सकेगा, जिसके बाद दुश्मन को वे चकमा दे सकते हैं। इन पर पानी, हवा या गर्मी का असर नहीं होगा और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का असर भी काफी कम पड़ेगा। इस तकनीक पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर कुमार वैभव श्रीवास्तव और मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफेसर जय कुमार काम कर रहे हैं। IIT के वैज्ञानिक पॉलीमर, सोना और अन्य वस्तुओं पर काम कर रहे हैं। पॉलीमर और सोने की विभिन्न परतों वाले मेटा मटेरियल्स यानी कि विशेष पदार्थ सफल हो गए हैं। इनकी औसतम मोटाई 2 से 3 mm होगी। इनसे सैनिकों के लिए वर्दी भी बनाई जा रही है जो आम कपड़े की तरह आरामदायक होंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं सेंसर, रेडार और इंफ्रारेड कैमरे की पकड़ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों IIT कानपुर के लिए आपकी क्या राय है जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों IIT कानपुर के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। टेक्निकलर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।